हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। आज का वीडियो आपके बहुत काम का रहने वाला है। अगर आप मेरी तरह एक गैजेट फ्रीक है, तो मतलब आप एक से ज्यादा जो है फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। मेरे पास एक आईफोन, एक एंड्रॉइड फोन हमेशा साथ में रहता है। मेरी एप्पल वॉच हमेशा साथ होती है, जो पावर हंग्री है, इसको बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। अभी तो अल्ट्रा लिया हुआ है, तो दो तीन दिन में एक बार तो चार्ज करना ही पड़ता है। मेरा आईपैड हमेशा साथ होता है, जिसपे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा डिवाइस जो मेरा मैकबुक प्रो 16 इंच वाला है, ये भी मेरे साथ होता है, जिसको 140 वॉट का चार्जर एप्पल बंडल करके देता है। तो इसको और ये सारे डिवाइसेस को काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है। और इसी के साथ कुछ और डिवाइसेस भी मैं रखता हूँ, जैसे ये गिम्बल मैं कैरी करता हूँ, ये नया DJI का RS3 मिनी, और इसी के साथ ये बेल्किन का एक मैक्सेफ वाला पावर बैंक भी मैं रखता हूँ, कभी कभी जो मेरे आईफोन को जूस की जरूरत होती है। तो ये जो है उसके पीछे चिपका दिया और चार्जिंग जो है वहां से शुरू हो गई। तो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस है, लेकिन चार्जर जो है मुझे मल्टीपल कैरी नहीं करने होते हैं। और अगर कैरी करूं तो बहुत ज्यादा वेट और बहुत ज्यादा बल्क उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे मैकबुक का ये चार्जर अगर मैं कैरी करूं, ये 140 वॉट का चार्जर जो एप्पल देता है, ये काफी हैवी है और उसका साइज भी काफी बड़ा है। और ये 20 वॉट का जो एप्पल का चार्जर है, ये सिर्फ आईफोन और एप्पल वॉच के चार्जिंग के ही लायक है, बाकी जो डिवाइसेस है उसको ज्यादा वॉटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या एक्जैक्टली यूज करता हूँ और क्यों आपको भी शायद ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये दो चार्जर्स जो मैं यूज करता हूँ, जिनका आज हम रिव्यू भी कर रहे हैं, वो है बेल्किन के दो चार्जर्स। एक है बेल्किन बूस्ट चार्ज प्रो डुअल वॉल चार्जर, जो 65 वॉट का आउटपुट देता है, और दूसरा है बेल्किन बूस्ट चार्ज प्रो, ये जो है 4-in-1 चार्जर है, यानी कि इसमें 4 पोर्ट है और मैं इसको एज अ डेस्कटॉप चार्जर इस्तेमाल करता हूँ। इसका मैक्सिमम आउटपुट जो है या कंबाइंड आउटपुट जो है, ये 108 वॉट्स का है। अब इन चार्जर्स के बारे में बताने के पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर ये चार्जर्स काम करते हैं या जिसके जरिए से इनको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। ये है गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी, GaN चार्जर्स है ये। और जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी होती है, ये अभी की लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। टिपिकल जो चार्जर्स हमको हमेशा से देखने मिलते हैं या रेगुलर चार्जर्स जो होते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन चार्जर्स के अंदर, GaN चार्जर्स के अंदर, गैलियम नाइट्राइड कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा जो है, वो इसका कॉम्पैक्ट साइज एंड कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे दोनों चार्जर्स आप देख सकते हैं, 65 वॉट वाला और ये जो है 108 वॉट वाला। अगर हम इसका साइज कंपैरिजन करें, तो ये 65 वॉट वाला जो चार्जर है, एक तो इसमें डुअल पोर्ट भी मिल जाते हैं, और एप्पल का 20 वॉट का चार्जर से अगर मैं दिखाऊं, तो ज्यादा जो है साइज में कोई आपको फर्क देखने नहीं मिलता है इन दोनों चार्जर्स के। और सेम चीज हमको 108 वॉट वाले में भी देखने मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 140 वॉट का एप्पल का चार्जर है, जिसमें सिर्फ एक ही पोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 4 पोर्ट के साथ ये 108 वॉट का चार्जर जो है सेम फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जो साइड है एप्पल के चार्जर का, ये थिकर भी है इस चार्जर के मुकाबले। साइज का बेनिफिट तो आपको होता ही है, साथ ही आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट होता है चार्जिंग की एफिशिएंसी के अंदर भी और चार्जिंग की स्पीड के अंदर भी। फास्टर चार्ज भी करते हैं ये रेगुलर चार्जर्स के मुकाबले, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हीट भी कम होते हैं रेगुलर चार्जर्स के मुकाबले। ओवरहीट होता हुआ देखा होगा आपने चार्जर्स को, तो ये चार्जर्स में आपको वो ओवरहीटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बेल्किन का बूस्ट चार्ज प्रो 65 वॉट वाला आप देख लीजिए, काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में और काफी अच्छा दिखने वाला स्मार्ट लुकिंग चार्जर है। यहाँ पे बेल्किन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 2 पोर्ट मिल जाते हैं। एक पोर्ट का जो आउटपुट, अगर आप सिंगल पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो 65 वॉट देगा, और अगर आप डुअल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक पोर्ट आपको 20 वॉट देगा और दूसरा पोर्ट आपको देगा 45 वॉट की चार्जिंग। इसको तो टेस्ट करेंगे ही। अब दूसरा चार्जर हम देख लेते हैं, जो कि हमारा बूस्ट चार्ज प्रो 4-in-1 108 वॉट का। तो यहाँ पे कंबाइंड आउटपुट जो है 108 वॉट का देता है। फर्स्ट पोर्ट आपको देता है 96 वॉट का आउटपुट। अगर आप सेकंड पोर्ट और फर्स्ट पोर्ट साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको 65 वॉट और यहाँ पे आपको 30 वॉट्स मिलेगा। और इन दोनों पोर्ट्स के साथ अगर ये दोनों पोर्ट्स भी इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे 65, 30 और 12 वॉट्स का शेयर्ड पावर आउटपुट मिलेगा। टोटल आपको 108 वॉट्स मिलेगा। और ये जो डेस्कटॉप चार्जर है, इसके बॉटम में इस तरीके की रबर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये आपके डेस्कटॉप पे जब रखो तो वो जगह से हिले नहीं बिल्कुल। इसके साथ ये लंबी सी डिटैचेबल केबल भी आती है, तो ये चार्जर पे यहाँ पे इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। और कभी केबल खराब हो जाती है तो सिर्फ केबल ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये क्योंकि लंबी सी केबल है, तो इसको आप कहीं दूर रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और ये चार्जर जो है आपके टेबल पे इस तरीके से आप रख सकते हो। काफी स्मार्ट दिखता है, क्लटर वगैरह हट जाता है, और टेबल के नीचे भी चाहे तो आप उसको डबल साइडेड टेप से चिपका सकते हैं। अब ये चार्जर जो है मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, वो बताने के पहले कहाँ इस्तेमाल करता हूँ वो बता देता हूँ। तो ये 65 वॉट वाला जो है, ये मैं अपने घर पे रखता हूँ, साथ ही मैं इसको अपने ट्रैवल पे भी लेके जाता हूँ साथ में, क्योंकि ये फॉर्म फैक्टर के साथ ये मेरे मैकबुक को भी चार्ज कर सकता है, जो कि 20 वॉट वाला एप्पल का नहीं कर सकता। उसके लिए फिर हायर वोल्टेज का हैवी चार्जर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काफी दिनों तक के लिए, तो वहां पे मैं ये वाला चार्जर जो 108 वाला, ये भी कैरी करता हूँ। डेस्कटॉप चार्जर तो ये है ही, साथ ही ट्रैवल पार्टनर भी है मेरा। अब इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चार्जिंग की जो वोल्टेज आपको मिलती है, वो किस तरीके से काम करती है, कैसे कैसे ये डिवाइसेस कनेक्ट करके आप जो है इसमें आउटपुट निकाल सकते हो, बताता हूं मैं आपको फटाफट से। यहाँ पे सिंगल डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं, तो 65 वॉट का
जो इसका आउटपुट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 वॉट जो है ये दिखा रहा है। अभी जो 62 वॉट दिखा रहा है, 65 वॉट नहीं, ये इसके रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब मैकबुक जितने लेवल पे चार्ज है वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो चार्जिंग हमारी केबल है ये कितना इसके अंदर लॉसेज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 65 वॉट तो आपको इजिली मिल ही जाएगा इसमें। और अगर हम इसी के साथ अपने आईफोन को भी चार्ज करते, जो कि मैं करता हूँ जनरली घर पे, तो यहाँ पे अपने आईफोन की चार्जिंग केबल मैंने लगा दी और इसको जो है अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो है मेरे आईफोन को 20 वॉट्स पे चार्ज करेगा। 20 वॉट्स जो है मेरे आईफोन के लिए सेफ है, और 45 वॉट्स का जो मुझे आउटपुट मिल रहा है अब पहले वाले पोर्ट में से, वो मेरे मैकबुक के लिए भी सही है और मेरे आईपैड वगैरह का भी चार्ज कर सकता है। तो जब मैंने आईफोन कनेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग केबल हमको बता रही है कि यहाँ पे हमको मैकबुक के लिए 42 वॉट्स का आउटपुट मिलता है। तो जो बेल्किन ने क्लेम किया है एग्जैक्टली आपको वो फिगर्स मिल जाते हैं इसके साथ। अब आ रही है गाइस टेस्ट करने की हमारा बूस्ट चार्ज प्रो 108 वॉट का 4-in-1 चार्जर बेल्किन वाला। अब सबसे पहले इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, वॉटेज कितना कितना मिल जाता है वो भी। यहाँ पे पोर्ट देख लेते, तो यहाँ पे 96 वॉट का पोर्ट जो है आपको दिख रहा है, और उसके नीचे आपको 65 वॉट लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 30 अगर आप लगाते हो, यानी कि एक और डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, तो ये 65 देगा और ये 30 देगा आपको आउटपुट। तो 96 वाले में मैं इसको जो है लगा देता हूँ इस चार्जिंग केबल को, और अब मैं इसको अपने मैकबुक से कनेक्ट, देखते कितना वॉटेज देता है। यहाँ पे गाइस ये हमारे मैकबुक के साथ दे रहा है 91 से 92 वॉट का आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो 91 और 92 के बीच में थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो रहा है, और 96 वॉट का ट्रू आउटपुट एक्चुअली आपको मिल जाता है इसमें, लेकिन अगेन वो केबल के जो लॉसेज होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे 91-92 आपको दिखाता है। अब मैं अपने लैपटॉप के साथ अगर अपने एक आईपैड को भी चार्ज करना चाहूं, तो यहाँ पे जो लैपटॉप का चार्जिंग का जो वॉटेज मुझे मिलेगा वो 65 वॉट मिलेगा, और जो मेरा आईपैड है वो चार्ज हो सकता है 30 वॉट पे। मैं इसी के साथ एक और मैकबुक एयर वगैरह भी इसके साथ चार्ज कर सकता हूं इसी तरीके से। तो ये आ गया मेरा आईपैड और ये लगा दिया मैंने इसको चार्जिंग पे। अब आईपैड लगाने के बाद देख सकते हैं मैकबुक पे जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो 62 से 63 वॉट का मिल रहा है। तो अगेन जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमको यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट। आइए देखते हैं जब हम चारों पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो कैसा आउटपुट हमको मिलता है। अब यहाँ पे चारों पोर्ट्स में मैंने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया, जो मेन पोर्ट है सबसे ज्यादा पावरफुल उसमें अपना मैकबुक कनेक्टेड है, उसके बाद हमारा आईपैड कनेक्टेड है, और साथ ही मैंने यहाँ पे दो डिवाइसेस और ऐड कर दिए। एक है मेरा ये एंड्रॉइड फोन जो टाइप सी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाले यूएसबी टाइप ए वाले पोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे बेल्किन का एक पावर बैंक है जो कि मैक्सेफ वाला है। और इतना सब कनेक्ट करने के बाद भी आप देख सकते हैं 63 वॉट का आउटपुट मेरे मैकबुक में मुझे मिल रहा है, यानी कि इन्होंने जो चार पोर्ट्स के लिए प्रॉमिस किया है कि आप चारों डिवाइसेस भी कनेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे इन डिवाइसेस के लिए 12 वॉट का शेयर्ड आउटपुट मिलेगा। मैकबुक जो है आपको 65 वॉट पे मिलेगा अगर सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो, और आईपैड या फिर कोई भी आपका आईफोन या कुछ भी हो 35 वॉट पे आपको चार्जिंग स्पीड देगा। अब इन चार्जर्स की जो कंपैटिबिलिटी लिस्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी कोई चार्जर जो आपके महंगे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल नहीं है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए लाखों रुपए के फोन, लाखों रुपए के लैपटॉप, लाखों रुपए के डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, इनसे कंपैटिबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिवाइस कंपैटिबिलिटी लिस्ट आपको देखने मिलेगी, सारे आईफोन सारे आईपैड सब कुछ जो है इनके साथ कंपैटिबल है, और सारे सैमसंग के भी प्रीमियम डिवाइसेस आप देख सकते हो इनके साथ कंपैटिबल। और क्योंकि ये टाइप सी वाला आउटपुट देते हैं तो कोई भी डिवाइस आजकल मिलने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स है आप इनसे इजिली चार्ज कर सकते हो, सेफ भी है। और फिर भी आपको सेफ्टी कंसर्न है कि मेरा डिवाइस कभी खराब हो जाता है तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे उसके लिए ये चार्जर जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक बेल्किन देता है कनेक्टेड इक्विपमेंट वारंटी अपने चार्जर्स के साथ। अगर आपका डिवाइस बेल्किन के चार्जर के साथ कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिकल डैमेज हो जाता है उसको चार्जर की वजह से, तो बेल्किन आपके डिवाइस को रिपेयर या फिर रिप्लेस कर देगा अप टू अ वैल्यू ऑफ $2,500 $2,500 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज। तो अगर आपके पास एक मैकबुक है जो 2 लाख का है, आपके पास एक आईफोन है जो 2 लाख का है, तो वन ऑफ द सेफेस्ट चार्जर्स है और बेस्ट है आपको यूज करने के लिए, क्योंकि कुछ हो भी जाता है जो कि होगा नहीं, तो आपको इतनी जबरदस्त वारंटी इसके साथ मिलती है। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की और अवेलेबिलिटी की। तो देखिए इनका जो प्राइसिंग है मैं उसके लिए लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेक कर लीजिए, आपको जो भी लेटेस्ट प्राइसिंग है दोनों चार्जेस का वो वहां पे देखने मिल जाएगा। अमेजोन का लिंक होगा तो अमेजोन का ये जो भी लिंक होगा इन चार्जेस का लेटेस्ट प्राइसिंग का मैं ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आप जाके इसको देख भी सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। मुझे तो ये चार्जेस बहुत पसंद है, मैं इनको रेगुलरली यूज करता हूं। आपको कैसे लगे ये चार्जेस मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। बेल्किन का बूस्ट चार्ज प्रो 65 वॉट वाला और 108 वॉट वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।